आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मनी ट्री। और दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस और चर्चा करने जा रहे हैं, स्टॉक को ऑलरेडी हम लोग आपको बता चुके हैं पहले ही लोअर लेवल्स पे, और स्काई इज द लिमिट अगर ये शब्द मैं उस स्टॉक के लिए यूज़ करता हूँ तो आने वाले जो अगले 2 साल हैं वो उस स्टॉक के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकते हैं। और उस स्टॉक में कहाँ तक तेजी आ सकती है वो हमने पहले भी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, आज हम और कुछ उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, और कहीं पर भी कुछ क्वेरीज हो, कहीं पर भी कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, वो सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में, और आप सभी को मैंने टाटा स्टील लगभग 550 के आसपास बताया था, उसके बाद टाटा स्टील ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई, 600 प्लस के बाद गया। बट आप देखेंगे इतने ख़राब मार्केट में भी जहाँ पर सभी स्टॉक्स धराशायी हुए, इस स्टॉक ने हमारा 550 का जो लेबल था वो स्टिल मेंटेन किया हुआ है, 583 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं अभी आपको करंट प्राइस दिखाता हूँ, लगभग 583.20 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा, लेकिन इस स्टॉक ने गिरावट नहीं दर्ज कराई। ये स्टॉक हमने जैसा कि आपको बताया था अपना पिछले वीडियोज़ में टारगेट्स 750 से 800 का टारगेट इंटैक्ट है अगले 12 महीने के अंदर, और उसके बाद ये स्टॉक अपनी नई ऊंचाई छुएगा, और मुझे लगता है अगले 2 से 2.5 साल में ये स्टॉक 1000 लेवल भी टच कर सकता है। क्यों, रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है जो जेवीज ये लोग कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग आउट ऑफ द इंडिया अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाला समय टाटा स्टील के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। पीछे कुछ मैं फैक्ट्स आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं कि भूषण स्टील का इन्होंने जो पीछे एक्वायर किया था जो भी NCLT के थ्रू, उसके बाद उषा मार्टिन को इन्होंने एक्वायर किया, पीछे इन्होंने जेवी किया था सिसन क्रप्पा जो यूरोपियन जर्मन कंपनी थी स्टील की, उसके साथ इन्होंने एक जेवी किया था। तो पीछे कुछ टाइम इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स किए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि टाटा स्टील के बारे में, तो टाटा टिस्कॉन के जो मटेरियल है, अगर बात करें 7 इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स जो होते हैं उनमें से हर 7 में से एक बिल्डर जो है वो टाटा टिस्कॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करता है। हर 7 हाउसिंग डेवलपमेंट बिल्डर्स में से एक जो है वो टाटा टिस्कॉन के मटेरियल यूज़ करता है। भूषण स्टील जिन्होंने इसको एक्वायर किया था NCLT के थ्रू, और जिसमें इन्होंने 35,200 करोड़ की डील साइन की थी, इसमें जो और लोगों की बिट थी उसमें GSW इनका मेन कंपटीटर था, बट इन्होंने बिट जीती। और अब इन्होंने भूषण स्टील चुकी इनकी हो चुकी है जेबी, इन्होंने जो भी इनकी भूषण स्टील की 25 सितंबर को एक AGM थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब भूषण स्टील का नाम बदल के टाटा स्टील BSL लिमिटेड हो जाएगा। एंड टाटा स्टील एक्वायर्स भूषण स्टील अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन द अप्रैल 2018 में इन्होंने खरीदा था, और जो उसकी जो टोटल जो पेमेंट था जो कॉस्ट थी वो थी 35,200 करोड़। क्यों, क्योंकि जो बैंक्रप्सी की जो केस बैंक्रप्सी का जो इशू था वो था भूषण स्टील के साथ, जिसके ऊपर 45,000 करोड़ का लगभग डेट था। ठीक है, टाटा स्टील प्लानिंग टू रेज द करंट प्रोडक्शन लेवल एट द भूषण स्टील टू 4 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2019 तक। ये लोग अभी चूंकि भूषण स्टील का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3.5 मिलियन टन थे, जो कि मार्च 2019 तक ये लोग 4 मिलियन टन तक करने का इनका मेन टारगेट है। भूषण प्लांट इज इन द उड़ीसा एट कैपेसिटी ऑफ द 5 मिलियन टन, इनका उड़ीसा में जो भूषण स्टील का प्लांट है उसकी कैपेसिटी 5 मिलियन टन है, जिसका अभी जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 3.5 मिलियन टन पर ईयर हो रहा है। मर्जर विद द सिसन क्रप यूरोप इज अ माइल स्टोन, यूरोप यानी जर्मन एक कंपनी है थिसन क्रप, उसके साथ इनका JV हुआ है 55-45 के रेशियो में, 55% स्टेक थिसन क्रप करेगा, 45% स्टेक जो है वो जो टाटा स्टील की यूरोपियन यूनिट रहेगी उसका रहेगा। और ये एक बहुत ही बड़ा माइल स्टोन माना जा रहा है यूरोपियन मार्केट में, आर्सिलर मिट्टल के बाद जो दूसरी फ्लैट स्टील में जो लार्जेस्ट कंपनी बनेगी वो बनेगी थिसन क्रप, और
टाटा स्टील के जेवी के जो आईपीओ आएगा उससे जो कंपनी शुरुआत होगी वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी होगी, और इससे इनका जो यूरोपियन मार्केट है उसमें भी ये लोग सेंध लगा पाएंगे। टाटा स्टील यूरोप एंड थेटेंट्रप जो जर्मन की है वो उनका इक्वल ज्वाइंट वेंचर है, बट जो थिसन क्रैप है उसके ऊपर जो राइट्स होंगे जो यू नो अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की तो 45-55 का रेशो रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं कि थिसन क्रैप टाटा स्टील का जो पूरा दोनों का ज्वाइंट वेंचर करके जो नई कंपनी आएगी बनके उसमें जो सेल्स एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं वो लगभग 17 बिलियन यानी 17 बिलियन यूरो की सेल्स एक्सपेक्टेड है, जो कि जिसमें कि लगभग 48,000 वर्कर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो एक बहुत बड़ी सेल एक्सपेक्टेड है इस पूरे ज्वाइंट वेंचर से, एंड इट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट स्टील फर्म इन द यूरोप इन द फ्लैट स्टील मार्केट आफ्टर द आर्सेलर मित्तल। तो अभी तक यूरोप की जो लार्जेस्ट फ्लैट स्टील मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो आर्सेलर मित्तल है, और अब उसके बाद जो इन दोनों कंपनीज का टाटा स्टील और थिसनक्रैप का जो ज्वाइंट वेंचर होगा जो कंपनी तैयार हो रही है जो कि अर्ली 19 तक जिसका शुरुआत हो सकती है माना जा रहा है, सारी फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगी यूरोप की, ठीक है। तो डील जो है लगभग जो डील साइन हो जाएगी पूरी कंप्लीट डील हो जाएगी वो लगभग अर्ली 19 तक हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्च तक ये स्टॉक भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रहे बट आफ्टर द मार्च 19 ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है और आपको ज़बरदस्त मुनाफा देने वाला है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रिसेंटली खबर आई कि टाटा स्टील ने 1 मिलियन टन प्रोडक्शन की जो उषा मार्टिन कंपनी है उसको भी एक्वायर कर लिया है, और वो इन्होंने 4,700 करोड़ के आसपास जो पूरा टोटल पेमेंट किया उसके लिए एक्वायर करने के लिए। जो दूसरी कंपनी जो बिडिंग में थी वो वेदांता थी, दूसरी JSW स्टील थी एंड कल्याणी स्टील, इन तीनों ने भी बिडिंग की थी बट टाटा स्टील को ही की बिड एक्सेप्ट हुई। इट इज टाटा स्टील्स फर्स्ट मेजर एक्विजिशन आफ्टर द NCLT प्रोसेस, मतलब NCLT के प्रोसेस के बाद जिसमें कि इन्होंने भूषण स्टील को एक्वायर किया था, सबसे बड़ा मेजर एक्विजिशन माना जा रहा है। स्पेशली अगर इसको देखेंगे कि 1 मिलियन टन का स्पेशलिटी स्टील प्लांट है उषा मार्टिन का जमशेदपुर के अंदर, उषा मार्टिन एम्प्लॉयज विल बी और टाटा मोटर्स के टाटा स्टील के एम्प्लॉय बन जाएंगे जितने भी उषा मार्टिन के एम्प्लॉय हैं, ये एक डील की एक टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, ठीक है। तो ये हमने टाटा स्टील के बारे में बताया आपको, अलॉन्ग विद द टाटा स्टील जो हमने बताया जो आपके JSW स्टील थी, कल्याण स्टील और वेदांता ने भी बिड लगाई थी बट उनकी बिड एक्सेप्ट नहीं हो पाई, टाटा स्टील ने की बिड एक्सेप्ट हो गई और टाटा स्टील ने ही उषा मार्टिन को खरीद लिया। ओके, उषा मार्टिन का जो स्टील प्लांट है वो 1 मिलियन टन का है जो कि अलॉय बनाता है, ठीक है, और वो जो फैसिलिटी है जमशेदपुर में है, और उसके अलॉय के बाद ये लोग जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो ये टाटा स्टील का बेसिक जो पीछे अभी इन्होंने कुछ मेजर एक्विजिशंस किए हैं वो मैंने आपको बताया। 583 का प्राइस है स्टॉक, बहुत ही अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस तो 540 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पर टाटा मोटर्स का, और जैसा कि हमने पीछे वीडियो में आपको फंडामेंटल तो बताई दिए तो अब आपको थोड़ा टेक्निकल में टाटा मोटर्स में आपसे गलत कहा, टाटा स्टील की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टाटा स्टील के जैसे मैंने फंडामेंटल्स आपको बताई दिए अब हम लोग आपको बेसिक जो यू नो टेक्निकल चार्ट से कहां तक क्या हो सकता है उसके बारे में एक बार दोबारा से बता देते हैं। तो आप देखेंगे अभी रेंज बाउंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब अगर रेंज क्या है 497-629, लेकिन फिलहाल उसके बीच में भी एक रेंज इसने मेंटेन करके रखी है 567 से 629 की। अगर मैं वीकली चार्ट पे बात करता हूँ दोस्तों, सो वीकली चार्ट पे थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस लेता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि क्या लेवल्स हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट पे एक थोड़े से लॉन्गर पीरियड के लिए अगर बात करें तो 499 से 625 इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मैं बात करूं रेंज है। 625 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग देता है टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली आपको 750-800 के लेवल्स इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अभी अगर हम बात करें तो इस कैंडल में इन्होंने 21 सितंबर को इन्होंने 625.15 का लेवल टच किया बट जो क्लोजिंग आई 647.6 का लेवल टच किया बट जो क्लोजिंग आई वो 625 पे आई। तो अभी जब ये 630 के ऊपर की क्लोजिंग देता था वीकली चार्ट पे दे देगा उसके बाद आप ये मान के चलिए 700 एंड 700 के बाद 800 के टारगेट टाटा स्टील में ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे।
लोअर साइड में जो टारगेट इनका वो 499 से लेके 500 के रेंज का रहेगा, बट ओवरऑल स्टॉक इज टू गुड, फैंटास्टिक स्टॉक है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली नंबर ऑसम है, लगभग 5 times प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून क्वार्टर के अंदर, जहाँ पर लास्ट जून क्वार्टर में कंपनी ने केवल 550 crore के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था, वहीं जून 18 में कंपनी ने लगभग 2300 crore का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट हो रही है कंपनी की, और मुझे लगता है कि अगले 2 साल जो इस कंपनी की बात करें अगर हम केवल टाटा स्टील की, तो गोल्डन पीरियड होने वाला है, आपको ये स्टॉक 800 प्लस से नीचे का नहीं दिखेगा। और अगर आप लोगों को लंबी अवधि के लिए चाहिए स्टॉक, अगर आप चाहते हैं ये आपके बुढ़ापे का सहारा बने, और उस वक्त जब आप रिटायरमेंट के समय में हो, उस वक्त जो आपके मेजर खर्चे, आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपके बच्चों की शादियां हो गई, उस वक्त अगर उस वक्त तक आपने इस स्टॉक को रोका, तो अकेला ये स्टॉक सेल करके ही आप वो सारी फॉर्मेलिटीज़ अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। तो ये हमने बात की टाटा स्टील की, जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, रिटायरमेंट के बाद आपकी सबसे बड़ी जो वेल्थ क्रिएट करेगा वो टाटा स्टील करेगा। बीच बीच में हम लोगों ने टाटा मोटर्स बात की, बिकॉज टाटा मोटर्स का काफ़ी मैं इस समय एनालिसिस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो गलती हो रही है, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो टाटा स्टील आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। टाटा मोटर्स के बारे में मैं आपको ज़रूर इन डिटेल में बताऊँगा, इस वक्त कंपनी टाटा मोटर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और क्या होने वाला आने वाले समय में टाटा मोटर में, इसके बारे में जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा स्टील पे फोकस कीजिएगा, SIP में खरीदते रहिए अगले 1 से 1.5 साल के लिए स्टॉक को, क्योंकि वो पीरियड आपका बाइंग का पीरियड होगा, उसके बाद ये स्टॉक आपको नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ज़बरदस्त मुनाफा कमाएगा, मोटा पैसा कमाएगा। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए यहीं पर, अपने एनालिसिस करते रहिए। मार्केट में अभी सेंटीमेंट्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, अभी आप उसको रिकवरी साइन नहीं मान सकते, बिकॉज अगर SGX 50 माने तो आज मैंने जब आफ्टरनून में चेक किया था, SGX 50 लगभग 100 points नीचे था, क्रूड के प्राइस भी आज राइज हुए, रुपी भी फॉल हुआ है, तो ओवरऑल अभी सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं। फिलहाल आप लोग अभी किसी भी तरह से पोजिशन बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, आप कुछ टाइम वेट कीजिए, आपको अच्छा मौका मिलेगा, और उसके बाद आपको अच्छे लेबल्स मिलेंगे, फिर आप वहाँ पर बाइंग कीजिए, और जब वो टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कब आपको शुरुआत करनी है बाइंग। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।